हेलो मॉमीज, वेलकम टू विमेन दुनिया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 29th वीक के बारे में। ये सप्ताह आपकी प्रेगनेंसी का 7वां महीना और तीसरी तिमाही है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं इस सप्ताह में बच्चे का विकास कहाँ तक पहुँचा है। इस सप्ताह के अंत तक शिशु 15 इंच तक लंबा हो चुका होता है और उसका वजन लगभग 1.15 किलोग्राम तक होता है। शिशु अभी एक छोटे खरबूजे के आकार का होता है। शिशु अब कई तरह के चेहरे बना सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस हफ्ते में आपके गर्भ में पल रहा शिशु सपने भी देखने लग जाता है। इस समय शिशु का दिमागी विकास भी बहुत तेजी से हो रहा होता है। इसके अलावा शिशु की हलचल अब पहले की तरह सॉफ्ट और गुदगुदी भरी नहीं रहती। अब उसकी किक आपको दर्द महसूस करा सकती है। शिशु का वजन भी अब अच्छे से बढ़ने लगा है और उसके फेफड़े का विकास भी बहुत अच्छे से हो रहा है। आइए अब हम जानते हैं इस सप्ताह में आपके शरीर में क्या बदलाव होते हैं। इस सप्ताह भी आपको पिछले सप्ताह की तरह ही थकावट लगना, अधिक नींद आना, कब्ज होना, गैस बनना, डकार आना, एसिडिटी, पेट फूलना, पेट भरा भरा लगना आदि लक्षण दिख सकते हैं। इसके अलावा हार्मोनल बदलाव के कारण मसूड़ों तक सही ढंग से खून नहीं पहुंच पाता और मसूड़े धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं और उनमें से खून आने लगता है। इसके अलावा बढ़ते हुए गर्भाशय के कारण पेट की त्वचा भी खिंचने लगती है और वहाँ स्ट्रेच मार्क्स पड़ने लगते हैं। साथ ही वहां आपको खुजली भी होने लगती है, लेकिन स्ट्रेच मार्क्स पर अपने नाखूनों से खुजली करने से बचे, नहीं तो वो दाग हमेशा के लिए अपना निशान छोड़ जाएंगे। आप उस पर नारियल का तेल और एलोवेरा जेल को मिलाकर लगा सकती हैं। आपके पेट का फेफड़ों पर दबाव पड़ने के कारण आपको सांस लेने में अभी तकलीफ होने लगती है। इसके अलावा आपको आधे सिर में दर्द होना या माइग्रेन की समस्या भी हो सकती है। ऐसे ही सामान्य बदलावों में से एक है नाभि का बाहर की तरफ निकलना, जिसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये डिलीवरी के बाद कुछ महीनों में अपने आप ही अपनी जगह पर वापस आ जाएगी। आइए अब हम जानते हैं इस सप्ताह में आपको अपनी क्या केयर करनी चाहिए। अगर आपको पीठ और पैरों में दर्द अधिक हो तो आप गर्म पानी की थैली का इस्तेमाल कर सकती हैं। बस ध्यान रखें कि पानी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अभी आपको अपने शिशु के हलचल पर भी ध्यान देते रहना है। दिन के जिस समय भी शिशु सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, उस समय आपको उनकी हरकतें चाहिए। अगर आपको 10 किक 2 घंटे या उससे कम समय में महसूस होता है तो इसका मतलब है कि आपका शिशु बिल्कुल ठीक है। अगर लगातार 4 से 5 घंटे तक आपको शिशु की कोई हलचल महसूस ना हो तो आपको कुछ मीठा खाकर पानी पीना चाहिए और बेड पर अपनी बाईं तरफ करवट लेकर लेट जाना चाहिए। इससे आपका शिशु प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। ऐसा करने के बावजूद अगर आपको हलचल महसूस ना हो तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अभी आपको अपने खाने में कैल्शियम युक्त आहार को शामिल करना चाहिए, जैसे कि दूध और दूध से बनी चीजें, हरी पत्तेदार सब्जियां, रात में भिगोए हुए किशमिश, पालक, सोयाबीन, ब्रेड आदि। आइए अब हम जानते हैं इस सप्ताह में आपको क्या नहीं करना है। आपका वजन धीरे धीरे पर लगातार बढ़ते रहना चाहिए। आपको अचानक से अपना वजन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने देना है। इससे आपको और आपके गर्भ में पल रहे शिशु को कई तरह की परेशानियां होने लगती है। अभी आपको अपने डेंटिस्ट से भी रूटीन चेकअप कराते रहना है, पर रूट कैनाल या एनेस्थीसिया लेने से परहेज करना है। इसके अलावा अभी आपको अधिक मात्रा में चाय, कॉफी, चॉकलेट का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अभी आप कच्चे स्प्राउट्स का सेवन भी ना करें, हो सके तो उसे हल्का उबाल लें, उसके बाद उसका सेवन करें। अभी आपको फल और सब्जियों का सेवन बिना धोए नहीं करना है। आइए अब हम जानते हैं इस सप्ताह में क्या हो तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यदि आपके पेट के निचले हिस्से में अचानक से असहनीय दर्द होने लगे, साथ ही योनि मार्ग से रक्त का स्राव हो तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा हाथ और पैरों में सूजन आने के साथ साथ अगर आपका चेहरा भी सूज जाए और उस पर कोई घरेलू नुस्खा काम ना करे तो भी आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और तीसरा है, अगर सिर दर्द के साथ आपको हल्का धुंधला दिखाई दे तो भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये वीडियो थी प्रेगनेंसी के 29th वीक के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।